गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईवीआर सॉरी सीआरएम के अंदर लिस्टिंग को, गया आपकी जो होटल विजिट है, आपका कोई फॉलो अप है, उसको कैसे एंटर किया जाए। तो ये सीआरएम, यहाँ पे हमने crm.vimo.in को लॉगिन किया हुआ है। ये सीआरएम में लिस्टिंग्स है हमारी अलग अलग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। यह हमारा सेल्स ग्राफ आता है, ये आपका टास्क पेंडिंग असाइनमेंट है, और अब मैं जाता हूँ कि हमको करना क्या है। बेसिकली आपको ये सेशन है इवेंट मैनेजमेंट के अंदर एक कैटेगरी है क्रिएट। जब फर्स्ट टाइम किसी नए बंदे से मिलते हैं या नए बंदे से फॉलो अप लेते हैं, तो आपको क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सीआरएम पूछेगा कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो जैसे यहाँ पे आपको नंबर डायल करना है, तो मैं कोई भी एक नंबर डायल करूंगा जो कि सीआरएम में एंटर नहीं है। अगर वो पहले से नंबर एंटर होगा, तो जैसे मैं आपको एक नंबर डायल करके दिखाता हूँ, 9090072 14, ये नंबर ये नंबर एंटर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है। अगर मैं इसी की जगह कोई और नंबर एंटर करता, 9891478482, अगर ये नंबर, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, देखेंगे वन नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड एज ए कस्टमर, प्लीज कॉन्टेक्ट एवेंट। तो ये हमारा इंटरनल यूजर आई डी फोन नंबर है, तो ये एंट्री में नहीं लेगा। एक नंबर डायल करके 8481 0666 ये नंबर हाँ इस नंबर का सिस्टम लिस्टिंग में डाल सकते हैं कोई भी एक नंबर अगर यहाँ पे एंटर होगा पहले से तो वो आपके पास अपडेट आ जाएगा कि ये नंबर पहले से एंटर है। अब मोस्ट सीरियस पढ़ते हैं कोई भी नंबर होगा तो यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएगा उसकी डिटेल लिस्टिंग में आ जाएगी। बट हमने नंबर के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नया नंबर लेके चलते हैं 7214। ये आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे नंबर आता है। ये जैसे एक खुद मेरा ओल्ड नंबर है तो मैं इसको और मतलब रिकंसर के नाम से एंटर कर रहा हूँ। आप ये मेल आई डी पूछ रहे हैं, अगर तो आपके पास क्ला
बाद कोई भी दो लेटर आपको डालने जैसे मैंने बीटाई डाले एट इन केस ऑफ क्लाइंट का मेल आईडी आपके पास नहीं है डी जी ई वी ई एन टी ये बंद करना साउंड डी जी इवेंट डॉट आई एन दिस वन इज ये आपको इस अल्फाबेट में डालना है कोई भी क्लाइंट का मेल आईडी अगर नहीं है तो उसका मेल आईडी जेड से स्टार्ट होगा मेल आईडी यहाँ डालना है कंपल्सरी है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जेड से स्टार्ट होगा रेफर बाय किसने रेफरेंस दिया है तो रेफरेंस अगर आप न्यू मेंबर है तो आपको नहीं मालूम होगा कि रेफरेंस किसने दिया है तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे एक रेफरेंस की लिस्ट आती है नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रेफरेंस है इसको न्यू टैब में ओपन करके देखिए न्यू टैब में जब आप ओपन करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लिस्ट में रेफरेंस हम क्या ऑप्शन डाल सकते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग वेबसाइट मार्केटिंग जिसने भी आपको रेफरेंस ये दिया है ठीक है डोर टू डोर मार्केटिंग वो होती है जब होटल्स में विजिट करते हैं तो उसको डोर टू डोर मार्केटिंग होता है सपोज कीजिए आपने किसी होटल में विजिट किया है तो दिस इज कॉल्ड डोर टू डोर मार्केटिंग आप डोर टू डोर मार्केटिंग डाल सकते हैं अल्टरनेटिव मेल में है तो अल्टरनेटिव मेल आईडी अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना ब्लैंक रहेगा एड्रेस उस प्रॉपर्टी का जो भी एड्रेस हो जैसे सपोज कीजिए मुझे मैं बताता हूँ ये एड्रेस है आपके पास ठीक है हमने एक एड्रेस डाल दिया है कि ये एड्रेस एड्रेस है ये आपने डाल दिया ठीक है रिमार्क्स रिमार्क्स अगर कोई इस बंदी के बारे में आपको एक चीज नोट डाउन करनी है कि कोई भी चीज नोट डाउन हो उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जैसे मैं अगर किसी बात करता हूँ ये अकाउंटेंट है अब आता है कि दो तरीके एक तो क्योंकि उसका कोई इवेंट नहीं है हम जस्ट एक होटल में गए थे और वहां से हमने एक फॉलोअप लिया है
तो यहाँ पे हमने एंटर करना है डेट अपडेट कैन पे करेंगे जस्ट आज आपने विजिट किया तो आज के अपने फर्स्ट टाइम आज के लिए डाल देंगे और यहाँ पे डेट पे आप डाल दोगे तो टाइमिंग आपसे पूछेगा आपने टाइमिंग डाल दिया 12 PM के आसपास और इस इवेंट को आज ही की डेट में एंड भी कर देंगे क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाना है तो दैट्स दैट आई एम सेइंग टू यू तो यहाँ पे हमने PM पे डाल दिया ठीक है अभी PM पे आके इवेंट टाइप अगर कोई भी क्वेरी हो होटल विजिटर तो आप होटल में वेडिंग्स में भी डाल सकते हैं वो होटल कॉर्पोरेट में ज्यादा डील करता है कॉर्पोरेट के बारे में डाल सकते हैं प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आप मेनली ज्यादा बेचना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डालना होता है तो दिस इज फॉर डीजे तो हम डीजे में ज्यादा सेल करना चाहते हैं उस क्लाइंट को और वो वेन्यू कहाँ पे है जैसे मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव तो मैं यहाँ पे गुड़गांव सेलेक्ट करूंगा गुड़गांव ये गुड़गांव हरियाणा का ऑप्शन आ गया तो मैं गुड़गांव हरियाणा सेलेक्ट करूंगा वेन्यू कोई होटल है तो यहाँ पे मुझे होटल का नाम क्या तो लिस्ट में हमारे में होगा ठीक है अगर लिस्ट में नहीं है सपोज कीजिए यहाँ पे नाम नहीं है तो आपको अगेन लेफ्ट मेन्यू पे जाना है लेफ्ट मेन्यू वेन्यू का ऑप्शन है वेन्यू को राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके न्यू टैब में वेन्यू को एड ऑन करना है अगर वो नहीं है उससे पहले बट एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे वेन्यू का नाम लिख के सर्च शुरू कर लेना हो सकता है वो वेन्यू पहले से एडेड हो ठीक है आपको उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो यहाँ पे अपने इस टाइप पे जाकर वेन्यू का नाम डाल देना अभी के लिए मैं होटल में डाल रहा हूँ आईटीसी फॉर्चून सेलेक्ट ये मैंने डाल दिया अगर सब वेन्यू उसका कोई बैंकेट हॉल है या कोई भी है जैसे मैं बैंकेट हॉल अब ये तो हो गया आपका जनरल एंट्री की आपने एक जनरल एंट्री बना लिया अब एक्चुअल में आता है कि आपका आज आपने क्या किया तो यहाँ पे आपने फॉलो अप डेट दिस वन फॉलो अप डेट एंड दिस वन फॉलो अप टाइम आज आप कितने बजे गए थे ठीक है तो आज आप सपोज कीजिए आज आप 2 बजे सॉरी नेक्स्ट फॉलो अप डेट ओके इसमें यहाँ पे आपको डालना है नेक्स्ट फॉलो अप डेट तो जैसे नेक्स्ट विजिट आज आपने सेकंड ऑफ उसको किया तो हम हमेशा बोलते हैं वीकली विजिट होनी चाहिए तो अगली विजिट 9th होगी तो 9th को आपने ये डेट डाल दी और आप अगली बार आप कब जाना चाहेंगे 12 बजे 12 PM ठीक है यहाँ पे जाना चाहेंगे ठीक है और इसका स्टेटस क्या डालेंगे आप क्योंकि आप होटल्स में बार बार विजिट करना है आपको तो इसका स्टेटस डाल देंगे कोल्ड कोल्ड में जैसे आप देखेंगे तो आपको आएगा होटल विजिट का ऑप्शन कोल्ड में आप डाल देंगे कोल्ड ठीक है पोस्टिंग अगर आपने कोई प्रॉपर पोस्टिंग दी है तो 4000 रुपये पोस्टिंग ठीक है अब आते हैं आज का उसका क्या रिप्लाई रहा वो आपको कमेंट में डालना है जैसे रिप्लाई रिप्लाई था ये रिप्लाई हमने डाल दिया ठीक है ये रिप्लाई फिनिश होगा तो ये रिप्लाई फिनिश यहाँ पे जैसे आप फिनिश करेंगे तो आप ये देखेंगे येलो आ गया येलो ऑप्शन होता है हमारा होटल विजिट का तो ये कोल्ड आ गया येलो ऑप्शन हो गया है अब आपने अदर ऑप्शन ये कैलेंडर्स वगैरह का ऑप्शन है आपको बाद में देखना है यहाँ पे एंट्री हो गई आप देख रहे हैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है इवेंट लॉग ये बोला है कि उसमें क्या रिप्लाई हो रहा है अब आप सपोज कीजिए नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करेंगे तो आपको ये पूरा काम नहीं करना है ये फर्स्ट टाइम का काम है आपका कि ये जो एंट्री वगैरह है ये जो रेट वगैरह और कहाँ का होटल था ये सब जो है ये एंट्री जो है उसकी नेम डिटेल वगैरह ये सब आपको कुछ एंटर नहीं करना है नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करेंगे तो आपको क्या करना है अपनी लिस्ट में जाना है और क्या तो उस बंदे का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं नाम का ऑप्शन यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हैं जैसे नेम ऑप्शन क्या तो नाम सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने डालता हूँ यहाँ पे आपकी जो लास्ट लिस्टिंग हुई उस पर आप यहाँ पे डालेंगे सबसे असाइन टू प्रोडक्ट स्टेटस स्टेटस में आपने कोड डालना है ठीक है तो आपके कोड पे सर्च करेंगे तो आपके पास कोड में जो लास्ट आपकी कोड विजिट थी ठीक है वो ऑप्शन आ गया तो जैसे ये आपकी कोड विजिट थी
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किया, अब मेरे पास उस होटल की पूरी डिटेल्स ओपन है जो मैंने पिछली बार एड ऑन की थी। अब आप क्या करना है, ये नेक्स्ट यहाँ पे आना है इवेंट लॉग, इवेंट लॉग पे आना है और इवेंट लॉग पे आके एड लॉग, हर बार जब भी आप विजिट करेंगे तो एड लॉग करना है आपको। एड लॉग में आपका नाम यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट होटल, क्योंकि हमेशा इसी स्टेटस में रहेगा कोल्ड होटल विजिट। अब पोस्टिंग अगर कोई चेंज किया आपने तो यहाँ पे जितनी बार भी आप पोस्ट चेंज करेंगे यहाँ पे पोस्ट डालेंगे। एडवांस पेमेंट अगर कोई आपने एडवांस पेमेंट उठाई तो एडवांस पेमेंट डालेंगे। फॉलोअप डेट, आपको नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, सपोज कीजिए मुझे नेक्स्ट फॉलोअप 10 तारीख को लेना है तो मैं 10 तारीख की डेट डालूंगा। ये फॉलोअप नेक्स्ट फॉलोअप की डेट मांगता है हमेशा यहाँ पे। और अगर अगली बार आपको कौन सी डेट लेनी है, यहाँ पे टाइमिंग, मैंने टाइमिंग पुट अप कर दिया है, दिस इज माय टाइमिंग। एंड देन अगेन दिस वन इज आस्किंग अबाउट कमेंट। कमेंट हमेशा करंट टाइम का डालना होता है कि उसने आज क्या रिप्लाई दिया। अगर आप आज मिल के आए हो तो उसने रिप्लाई जो भी दिया होगा, ठीक है, आप उसने कहा मीट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और वट एवर जो भी उसने कहा होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स आपको डिस्क्राइब, मैंने सॉफ्ट हैंड में डाला है तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके डिटेल्स डालनी है ताकि आपके सीनियर्स को पता चले कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया है। अब ये आ गया आपके पास ताकि आपके सीनियर्स को पता चले कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया है। और यहाँ पे एड लॉग, ये एड लॉग जैसे आप डालेंगे ये ऑटोमेटिकली अप्रूवल के लिए जाता है आपके सीनियर्स के पास। और यहाँ पे हर बार जितनी बार भी आप विजिट करेंगे आपको एड लॉग करते चले जाना है। अगर कोई वो इवेंट देता आपको, सपोज उन्होंने एक बुकिंग दिया आपको, देन आपको जाना है अगेन क्रिएट, क्रिएट मीन्स न्यू एक्टिविटी, और इवेंट लॉग मीन्स ओल्ड एक्टिविटी का रिप्लाई, बोथ ऑफ द डिफरेंट थिंग। जैसे आप वो इवेंट देगा आपको क्रिएट में जाना है, अगेन क्रिएट में जाना है और यहाँ पे नंबर टाइप करना है 7214, ठीक है। जैसे मैंने नंबर टाइप किया यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स लग गई, अगर ये डिटेल ओके है आपके इसके अकॉर्डिंग मैचअप है तो ओके। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे आपको हर बार इवेंट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर ये मानता है कि आपके पास कोई नया इवेंट आ रहा है, नए इवेंट के बारे में आप बात करें। तो नई एक्टिविटी अगर है तो नई एक्टिविटी के बारे में डालना है। अगर पुरानी में ही काम चल रहा है मीन्स उसके साथ आप डेली विजिट कर रहे हो ये कर रहे हो तो आपको अपने लिस्ट में जाना है, लिस्ट में जाके अपना स्टेटस पे जाना है। स्टेटस में आपको होटल, अगर आपने होटल की कैटेगरी में लेना है, सॉरी कोल्ड, कोल्ड में डालना है, कोल्ड आ गया, ठीक है। एंड देन सर्च, सर्च में आपके पास विजिट्स आ जाएंगी कि आपने कौन कौन से आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक, अब मेरे पास डिटेल है, अब डिटेल्स में मैं गया, डिटेल के बाद मैंने फॉलोअप में डालना है एड लॉग, एड लॉग, लॉग में मैंने अगेन एंट्री करनी है कि आज मैं इस बंदे से विजिट पे गया था, मेरा ये रिस्पॉन्स रहा। एक बार होटल में आप 50 बंदों से मिल सकते हैं और एक होटल में आप एक बंदे से मिल सकते हैं, जितने बंदे आपके पास ज्यादा मिलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे हर बार हर बंदे जब भी आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो क्रिएट होगा, और अगर आप ओल्ड बंदे से मिलते हैं और सेम चीज के लिए बोल रहे हैं बट कोई इवेंट एड ऑन नहीं करना है तो आपको एड लॉग करना है उस बंदे के बारे में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, लिस्ट में एक चीज और अपडेट हुई है, लिस्ट में अब ऑप्शन ये आ गया कि पहले हम सिर्फ इवेंट की डेट सेलेक्ट कर सकते थे, अब यहाँ पे फॉर्म आ गया, ठीक है, कि आप इस फोन नंबर के लिए इस या फॉर्म मुझे 1 अप्रैल की सारे इवेंट्स देखने हैं तो यहाँ पे मेरा असाइनी के साथ डिटेल्स आ जाएगी। मुझे सिटी वाइज में मैं देख सकता हूँ, जैसे मुझे भिवाड़ी की क्वेरीज देखनी है अपनी तो मैं भिवाड़ी यहाँ पे टाइप करके क्वेरीज देख सकता हूँ। अगर सपोज कर मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट भी मालूम है, मुझे सिर्फ डीजे की क्वेरीज को देखना है तो यहाँ पे डीजे का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ सपोज कर मुझे रेफरल बाय देखना है कि किसने मुझे रेफरेंस दिया था, रेफरल बाय मुझे सपोज कर विक्रम से रेफरेंस की क्वेरी देखनी है, ठीक है, तो विक्रम का ऑप्शन आ गया, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा, सारे रेफरेंस जितने विक्रम सर से किसी को जिसको मिले होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे, आपको विक्रम सर से कितने रेफरेंस मिले हैं या आपने विक्रम सर के रेफरेंस पे कितनी क्वेरीज एड ऑन कर रखी है, यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को एड ऑन कर सकते हैं, ये सिस्टम रहेगा, इसी तरीके से काम इसमें चलेगा। थैंक यू।